सीन देखने को मिलते हैं। अब हर एक मूवी में किसिंग सीन देखने को मिलते ही रहते हैं, रोमांटिक सीन्स दिखते ही रहते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने बड़े पर्दे पर किस किया लेकिन मुश्किलों में फंस गई। नमस्कार, मैं हूं सुगंध और आज हम बात करने वाले हैं विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन ने ऋतिक रोशन के साथ फिल्म धूम में किसिंग सीन दिए थे, लेकिन उसके बाद ऐश्वर्या को काफी सारे नोटिस भी भेजे गए थे। और उनको बता दें कि ऐश्वर्या राय काफी ज्यादा मुश्किलों में फंस गई थी और उनके लिए किस करना काफी ज्यादा भारी पड़ गया। तो फिर आइए डालते हैं नजर आज के हमारी इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को ऋतिक रोशन को किस करना भारी पड़ गया। जी हां, आपको बता दें कि आजकल फिल्मों में किसिंग सीन और काफी ज्यादा रोमांटिक होना मानो एक आम बात हो गई है। लेकिन ऐश्वर्या राय ने जब बॉलीवुड एक्टर और डांसर ऋतिक रोशन को किस किया तो काफी बवाल मच गया। ये तो आप सभी को याद ही है कि फिल्म धूम 2 में ऐश्वर्या राय का सिजलिंग अवतार देखने को मिला था। ऐश्वर्या राय बच्चन और ऋतिक रोशन की फिल्म धूम 2 साल 2006 में रिलीज हुई थी। फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन इसके एक सीन को लेकर काफी चर्चा हुई। वो सीन था ऐश्वर्या और ऋतिक के बीच फिल्माया गया किसिंग सीन। वो किसिंग सीन पर इतना बवाल हुआ कि ऐश्वर्या को लीगल नोटिस भी भेजे जाने लगे। ये पहली बार था जब ऐश्वर्या राय ने पर्दे पर किसिंग सीन दिया था। फिल्म रिलीज होने के बाद से ही दोनों ने किस सीन को लेकर काफी चर्चा होने लगी और ऐश्वर्या ये नहीं समझ पा रही थी कि इसे लेकर इतनी चर्चा क्यों की जा रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं था किसी एक्टर और एक्ट्रेस के बीच किसिंग सीन फिल्माया गया हो। वहीं बच्चन परिवार ने भी अपने होने वाली बहू ऐश्वर्या राय को कभी इस बात की इजाजत नहीं दी थी कि वो पर्दे पर किसिंग सीन दे। कहा यह भी जाता है कि ऋतिक और अपनी होने वाली पत्नी ऐश्वर्या के इस किसिंग सीन को देखने के बाद अभिषेक बच्चन ने ऋतिक से बातचीत करना बंद कर दिया था। वहीं अगर खबरों की माने तो बच्चन परिवार की पूरी कोशिश थी कि फिल्म से इस सीन को हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसी खबरें भी सुनने में आई थी कि जब ऐश्वर्या ने किसिंग सीन दिया था ऋतिक रोशन के साथ तो बच्चन परिवार का गुस्सा सातवें आसमान पर था। इसके बाद साल 2012 में जब ऐश्वर्या से इस विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि धूम 2 साइन करते समय मेरे मन में दो ख्याल थे। उन्होंने बताया कि इस सीन की वजह से इतना हंगामा हुआ कि फिल्म रिलीज होने के बाद उन्हें कानूनी नोटिस तक मिले। इसी के साथ आपको बता दें कि ऐश्वर्या ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने धूम में ऐसा एक बार किया और वो भी तब जब उस सीन की वहां जरूरत थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस सीन को लेकर मुझे कई नोटिस मिले, कानूनी नोटिस भेजे गए। वहीं आपको बता दें कि ऐश्वर्या ने बताया कि देश भर से कुछ लोगों ने मुझे लिखा कि आप आदर्श हैं, आप हमारी बेटियों के लिए एक उदाहरण हैं, आपने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है, तो आप पर्दे पर ऐसा कैसे कर सकती हैं। ऐश्वर्या ने कहा कि ये सब पढ़कर मैं हैरान थी, मैं एक एक्टर हूँ और अपना काम कर रही हूँ और मुझसे मेरे काम को लेकर जवाब मांगा जा रहा है। मेरे 3 घंटे के काम में से केवल उन चंद पलों की बात की जा रही है। ऐश्वर्या ने कहा, धूम 2 साइन करने से पहले मैंने कई हॉलीवुड फिल्मों के ऑफर केवल इसलिए ठुकराए क्योंकि मैं पर्दे पर फिजिकल सीन या किसिंग सीन करने में कंफर्टेबल नहीं थी। मैं जानती थी कि दर्शक भी मुझे पर्दे पर इस तरह देखना पसंद नहीं करेंगे, फिर भी मैंने इसके लिए हाँ कहा। मैं चाहती थी कि अगर मुझे ये करना ही होगा तो पहले हिंदी सिनेमा में करूँ। मैं देखना चाहती थी कि मैं जैसा सोचती हूँ क्या वाकई ऐसा है, और वो सच निकला। जी हाँ, ऐश्वर्या राय ने जब किसिंग सीन किया तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उनके किसिंग सीन को देखकर बच्चन परिवार को गहरा सदमा भी लगा था। Well, दोस्तों, तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने आप सभी को दिखाया कि किस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन को किस करना भारी पड़ गया। उन्होंने किस किया ऋतिक रोशन को बड़े पर्दे पर, लेकिन किस के बाद उन्हें इतने सारे नोटिस भेज दिए गए जिसकी कोई हद ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए हमें दे दीजिए इजाजत, पर अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। लेकिन आप निराश न होइए, बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही मजेदार चटपटी खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।